एट क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 13 ए टाइम एंड वर्क क्वेश्चन नंबर 11 इज ए एंड बी एंड सी डू द वर्क इन 15 12 एंड 20 डेज. You write the at first 10 time by a two. Finish the work is equal to A can do 15 days. Work done by A in 1 day work is equal to 1/15 as taken time by B to finish the work in B can do it 12 days. Work done by B in 1 day. 1 day work is equal to 1/12. Taking time by B third is C to finish the work C can do it 20 days. Work done by C in 1 day work is equal to 1/20 at first we find the 1 day work done by A plus B plus C in 1 day work is equal to 1/15 plus 1/12 plus 1/20. Take the LCM is 60. 15 4 = 60. 12 5 = 23. 12/60 after plus 12 1 = 12, 12 5 = 60, 1/5 it can do in 1 day work A, B and C. They start the work together but C left after 2 days. Work done by A plus B plus C in
टुडे वर्क, टू इंटू वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव वर्क हैज बी कंप्लीट आफ्टर रिमेन वर्क फाइंड टू फाइंड द वन माइनस टू अपॉन फाइव, फाइव अंजा फाइव माइनस टू इज थ्री अपॉन फाइव वर्क इज रिमेन। सी लेफ्ट रैश दी ए एंड बी वर्क डन बाय बाय बी ए प्लस बी इज इक्वल टू वन अपॉन फिफ्टीन प्लस वन अपॉन ट्वेल्व। टेक एलसीएम इज सिक्सटी, फोर जा एंड फाइव जा आफ्टर प्लस इज नाइन अपॉन सिक्सटी, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री ट्वेंटी जा थ्री अपॉन ट्वेंटी वर्क ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर टू अपॉन थ्री वर्क रेस्ट वर्क इज दी थ्री अपॉन फाइव। नाउ थ्री अपॉन ट्वेंटी वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे, रेस्ट वर्क इज थ्री अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव दे कंप्लीट द वर्क थ्री अपॉन फाइव डिवाइड बाय थ्री अपॉन ट्वेंटी। दिस थ्री अपॉन फाइव थ्री अपॉन ट्वेंटी विल बी डिवाइड, चेंज द डिवाइड द मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ थ्री अपॉन ट्वेंटी, थ्री डिवाइड बाय थ्री फाइव फोर जा ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर डेज। ए एंड बी टुगेदर द वर्क कंप्लीट द रेस्ट वर्क इन फोर डेज। क्वेश्चन नंबर वन अलेवन इज कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व ए एंड बी पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। टेक इन टाइम बाय ए एंड बी टू फिनिश द वर्क। इज इक्वल टू ए एंड बी कैन डू द इन 18 डेज। वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे वर्क इज इक्वल टू वन अपॉन एटीन एज टेकन टाइम बाय बी एंड सी टू फिनिश द वर्क
वर्क इन बी एंड सी इन 24 days. Work done by B plus C in 1 day work. 1/25 as taken time by C and A to finish the work in B and C can do finish the work in 36 days. Work done by C and A 1 day work is equal to 1/36 work done by A plus B plus B plus C plus A in 1 day work is equal to 1/18 plus 1/25 plus 1/36. Take the LCM. 18, 24 and 36, LCM is 72. 18, 4 ja, 24, 3 ja, 36, 2 ja. 7 and 2, 9, 9/72. 9, 1 ja, 9, 9, 8 ja, 1/8 part by work done by after plus 2a plus 2b plus 2c in 1 day work is equal to 1/8 divided by 2 work done by A plus B plus C in 1 day work will be 1/8 into 2 is equal to 1/16. Time taken by A plus B plus C to finish the work reciprocal of 1/16, 16 days. To take the complete the work. Question number 12 is complete. Question number 13 is only change by digit or change. A and B can do 12 days.
वन डे वर्क विल बी 1/12, बी एंड सी इज 15 डेज, वन डे वर्क विल बी 1/15, सी एंड ए टेक दी 20 डेज, वन डे वर्क विल बी 1/20, वन डे वर्क ऑफ दी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, टेक दी एलसीएम, एलसीएम इज 60, 12 5 जा 15, 4 जा 23 जा 9 and 12, 12 upon 60, 1/5, वन डे वर्क विल बी 1/5, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी विल बी 1/5 × 2, 1/10. We find the only A. To find the work done by A in one day, 1/10 minus B and C is 1/50. A प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, तो वी गेट दी ए, टेक दी एलसीएम इज 33 − 2, 1/30, 1/30 इज वर्क डन बाय इन वर्क वन डे वर्क टेकन टाइम by A to finish the work reciprocal of 130, 30 days can alone A complete the work. Thank you. 13 question is complete.